दोस्तों, क्या आपके भी कंप्यूटर पर नो डिस्प्ले वाली प्रॉब्लम आ रही है? आपका सीपीयू ऑन हो रहा है लेकिन आपके मॉनिटर पर नो सिग्नल आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रहा है? तो बस आज के वीडियो को कंप्लीट देख लेना। आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का 100% वर्किंग सोल्यूशन बताने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले वाली, वो 100% सॉल्व हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टीचिंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं सामने रखा है हमारा कंप्यूटर और यहाँ पर हम करते हैं अपने सीपीयू को ऑन। कुछ इस तरह से ऑन करने के बाद देख सकते हैं हमारा सीपीयू ऑन हो चुका है लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आ रहा। हमारे डिस्प्ले पर अभी भी नो सिग्नल लिखा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीपीयू ऑन हो चुका है लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आ रहा और हमारा कनेक्शन भी बिल्कुल सही है। मैं आपको पीछे कनेक्शन की ओर दिखा देता हूँ इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर हमारा सीपीयू का विजय केबल लगा हुआ है और उधर मॉनिटर पर भी विजय केबल लगा है, आप देख सकते हैं, जुड़कर यहाँ पर आया हुआ है। कनेक्शन भी बिल्कुल सही है लेकिन हमारा सीपीयू ऑन हो रहा है लेकिन मॉनिटर पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। चलिए मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सीपीयू के ढक्कन को ओपन कर लें, ठीक है। इस तरह से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सीधा मदरबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मदरबोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मदरबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक आपको सॉकेट मिलेगा जिसे डिस्प्ले केबल कहते हैं, यहाँ पर जो पावर सप्लाई से आया रहता है, देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, येलो और ब्लैक का यह केबल है, ठीक है। आपको देख लेनी, इसे आपको एक बार निकाल के फिर से लगानी है। ये वाली मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये वाली केबल इस तरह से आपको देख लेनी। आपके भी सेम ऐसे ही लगा होगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से आपके भी ये मिल, आपको मिल जाएगा सॉकेट, ठीक है। क्या होता है, अगर हम इसे निकाल देंगे तो हमारे कंप्यूटर पर डिस्प्ले नहीं आएगा, हमारा सीपीयू ऑन होगा बट मॉनिटर में कुछ भी नहीं आएगा, नो सिग्नल लिखा आएगा। तो आपको यही वाला केबल को सबसे पहले चेक कर लेनी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस पर क्या धूल वूल घुस जाती तो भी ये काम नहीं करता, तो आपको इसे ऐसे फूंक फूंक मार लेनी है, धूल वगैरह बाहर निकल जाएगा। फिर आपको इसे पुनः वैसी लगानी जैसा आपने इसे निकाला था, वैसे आपको इसे लगा देनी। सिंपल सा निकल जाता, सिंपल सा फंडा होता है इसका, ये लग चुका है, आप देख सकते हैं ये लग गया, ठीक है। इसे लगाने के बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको रैम मिल जाएगा, ठीक है। आपका रैम लगा होगा, देख सकते हैं मेरे में यहाँ पर रैम लगा है। तो आपको क्या करनी है, रैम को आपको बाहर निकालनी है, ठीक है। इस तरह से आपको इसे नीचे की ओर प्रेस करनी है, यहाँ पर लॉक लगा रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से जिससे आपको क्लियर समझ आ सके। यहाँ पर इसे आपको नीचे की ओर प्रेस करनी है, प्रेस करने के बाद ये लॉक निकल जाएगा। इधर भी आपको नीचे की ओर प्रेस करनी है कुछ इस तरह से, फिर आपका जो रैम है वो बाहर निकल जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से रैम बाहर निकल गया। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर जितने भी गोल्डन वाले भाग हैं, देख सकते हैं जहाँ पर भी गोल्डन आपको दिख रहा है उसको आपको थिनर या फिर इरेजर से आपको साफ करनी है, ठीक है। थिनर या फिर इरेजर से आपको साफ कर लेनी है। तो चलिए फटाफट जिसे हम साफ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रुमाल पर लगा लेता हूँ थिनर, यहाँ पर थिनर लग गया है। अब हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या है, धूल जम जाती है जिसकी वजह से ये काम नहीं करता, और जब तक हमारे मदरबोर्ड पर सही से रैम काम नहीं करता तब तक हमारे मॉनिटर पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रैम अगर निकल जाएगा तो हमारे कंप्यूटर पर डिस्प्ले नहीं आता, ठीक है। इसलिए रैम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। अब इसे हम फिर से यहाँ पर लगा देते हैं और ध्यान रखिए यहाँ पर रैम के बीच में कट बना रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लगानी, यहाँ पर भी आपको कट मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको इसे लगानी, चलिए मैं लगा लेता हूँ, ये कुछ ऐसा लगेगा। लगाने का सिंपल प्रोसेस है, इसे आपको बस इस खांचे पे डाल देनी इस तरह से गड्ढे पे, और आपको इसे प्रेस करनी कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। इधर से भी आपको इसे प्रेस कर देनी है, दबा देनी है और ये लग जाएगा, बस दबाना है आपको फिर ये लग जाता है, ठीक है। देख सकते हैं हमारा रैम भी लग चुका है। दो चीज़ आपको करनी है, पहला आपको ये वाला जो केबल होता है ये वाला सॉकेट, इसे आपको चेक करनी, निकाल कर आपको फिर से लगा लेनी है, ठीक है ये वाला। सेकंड आपको रैम पर ध्यान देनी, ठीक है, या फिर आप रैम को निकाल के दूसरे सॉकेट पर भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर एक मदरबोर्ड पर दो सॉकेट मिलता है रैम के लिए, ठीक है। तो अगर आपके में रैम पहले वाले पर लगे तो आपको निकाल के दूसरे पर लगा लेनी है, दूसरे पर लगे तो आपको पहले पर भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। कुल मिलाकर आपको रैम को निकाल के साफ करके फिर से आपको लगा लेनी है। इतना करने के बाद आपको अपने सीपीयू को एक बार चालू करके देख लेनी। चलिए अब चालू करके हम देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर सीपीयू खरीद दिया, चलिए फटाफट इसका केबल कनेक्शन करते हैं। बैक साइड पर आते हैं और सबसे पहले हम लगाते हैं पावर केबल इस तरह से, ये लग गया हमारा पावर केबल। अब लगाते हैं विजय केबल डिस्प्ले के लिए, इस तरह से हमारे मॉनिटर के कनेक्ट हो गया। अब हम लगाते हैं USB माउस के लिए, इस तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। चलिए फटाफट से ऑन करके देखते हैं, ठीक है, हमारा पावर केबल, विजय केबल और ये माउस का, ठीक है, कीबोर्ड का बाद में लगाएंगे। अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट है, चलिए फटाफट ऑन करते हैं।
तो यहाँ पर हम दबाते हैं पावर बटन और यहाँ पर हमारा सीपीयू ऑन हो चुका है और यहाँ पर हमारा मॉनिटर है। चलो देखते हैं डिस्प्ले आता है या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पर हमारा डिस्प्ले आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लैब केयर लिखा रहा है, मतलब अब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं कुछ सेकंड, देख लेते हैं। अभी हमने अपने सीपीयू को ढक्कन को बंद नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि हम एक बार चेक कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हमारा मॉनिटर आ चुका है, देख सकते हैं सीधा विंडोज 7 स्टार्टर है, मतलब हमारे कंप्यूटर पर जो नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आ रही थी वो 100% सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, देख, चलो वेट करते हैं कुछ सेकंड। और यहाँ पर फाइनली हमारा जो कंप्यूटर है स्टार्ट हो चुका है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम भी लिखा रहा है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में घंटे को जरूर से दबा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से और यहाँ पर मस्त काम भी कर रहा है, मतलब हमारे कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो आपको फिर से बता दूँ, पहला काम आपको करनी है सॉकेट का, सेकेंड आपको करना है अपने रैम पर। देख सकते हैं अब हमारा मदरबोर्ड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहले जो ये वाला सॉकेट है, ठीक, इस सॉकेट का आपको ध्यान देनी है, ये वाला सॉकेट को। सेकेंड आपको रैम पर ध्यान देना है, दो ही चीज़ होता है जो डिस्प्ले को ब्रेक करता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आपको ध्यान से देख लेनी, चेक कर लेनी, निकाल के फिर से लगा लेनी है, फिर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर पर जो नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आ रही है 100% सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री।